हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की कल की रणनीति के ऊपर हम लोगों को बातचीत करनी है। कल की रणनीति के ऊपर बातचीत करने से पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, एक उसको ओवरव्यू कर लें, फिर आगे कल की बात करते हैं। निफ्टी के क्या सपोर्ट लिए थे, क्या रेजिस्टेंस लिए थे, क्या बैंक निफ्टी का सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, क्या हाई पड़ा, क्या लो पड़ा, कौन से स्टॉक्स में बाय सेल का रिकमेंडेशन दिया था, फटाफट उसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आज की गलती आज ही सुधर जाए, कल तक कैरी फॉरवर्ड ना हो। आज निफ्टी का जो आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया था 8975 का और 8825 का, रेजिस्टेंस लेवल बताया था 9170 का। इसका हाई पोस्ट हुआ है 9219 का, लो पोस्ट हुआ है 8933 का और क्लोज हुई है 9287 के आसपास। 8930 का लो पोस्ट क्या है, 8975 का सपोर्ट बताया था, 8975 के आसपास ये ज़्यादा टिक नहीं पाई और आप लोगों ने देखा होगा कि इसके बाद ये तेज़ी की राह पकड़ ली। 9170 का लेवल दिया हुआ था, बराबर वहाँ तक 200 पॉइंट की रिकवरी दे दी। तो जिस किसी ने भी अगर लोअर लेवल में सपोर्ट लेवल को देख के बाय किया होगा तो उसको अच्छा खासा मुनाफा होगा। मैं सिर्फ बोलने के लिए बोलता हूँ कि अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर आपने जो सपोर्ट लेवल दिया था वहाँ से मैंने बाय करके इतना ये पॉइंट में काटा है। मैं इसको अपनी परफॉर्मेंस शीट में कहीं नहीं लेता हूँ। कल के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 23 अप्रैल के लिए 9115 का पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 9070 का, रजिस्टर निकल के आ रहा है 9270 और 9370 का। आज की क्लोजिंग 9187 की है। कल के सपोर्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 9270 और 9370 का, और इसका मैजिकल फिगर निकल के आ रहा है 8870 का, 8870 का काफ़ी नीचे है मैजिकल फिगर। और कल गुरुवार है, कल देखते हैं किस तरह से बाजार चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि 9370 के आसपास ट्रेड करवा सकता है और लोअर लेवल में 9100 यानी टोटल इसकी रेंज दिखती है वो 9100 से 9400 तक की। तो ये हुई निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बातचीत। अब बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के आज आप लोगों को सपोर्ट बताए थे 19600 का, रेजिस्टेंस लेवल बताया था 19100 का सपोर्ट बताया था आपको, बराबर है 19000 के आसपास का सपोर्ट बताया था, रेजिस्टेंस बताया था आप लोगों को 19600 का और दूसरा रेजिस्टेंस बताया था 20140 का। मैजिकल फिगर आप लोगों को बताया था 19600 का, 19600 का। इसका हाई पोस्ट हुआ है 19835, लो पोस्ट हुआ है 19002 का और क्लोज हुई है 19676 में। इसके कल के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 19100, दूसरा पहला सपोर्ट इसका, इनफैक्ट अभी ऊपर है तो पहला सपोर्ट 19550 होगा और दूसरा सपोर्ट इसका होगा 19100 का। रजिस्ट्रेंस निकल के आ रहे हैं 19885 और दूसरा रजिस्ट्रेंस निकल के आ रहा है 20300 का, 20300 का दूसरा रजिस्ट्रेंस निकल के आ रहा है और इसका मैजिकल फिगर बन के आ रहा है 19425 का, 19425 का। तो ओवरऑल मुझे बैंक निफ्टी कल के लिए 19100 के नीचे नहीं लगती है, हो सकता है 19400 का भी अच्छा खासा सपोर्ट ले जो हमारा मैजिकल फिगर है 19425 का। तो बात कहें तो बैंक निफ्टी को कल, शायद मुझे ऐसा लगता है कल बैंकिंग सेक्टर में अच्छी थोड़ी तेज़ी डेवलप हो सकती है। तो आप लोगों को बैंक निफ्टी में अगर 19500 के आसपास भी मिले तो वहाँ पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं, 19000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट 19875 का पहला टारगेट, दूसरा 20300 का। मैं इसको अपनी परफॉर्मेंस शीट में कहीं नहीं लूँगा, सिर्फ आप लोगों के लिए डिस्कस किया। आज बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक में क्या रणनीति बनाई थी। स्टॉक स्पेसिफिक में आप लोगों को सेल करने कहा था SBI बैंक को, 186 के आसपास सेल करने कहा था, 188 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 179.50 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 189.45 का, 181.35 का लो पोस्ट हुआ है। सेलिंग रेंज में आने के बाद इसने 181.35 का लो पोस्ट किया और 187.85 में क्लोज हुई है। मोटा माटी 100 की सीधी बात, SBI बैंक का स्टॉप लॉस हो गया है तो करीब करीब 1% के आसपास का इसमें नुकसान हुआ होगा, कैपिटल जो हम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट की थी। अगर इसका एग्जैक्ट बोलूँ तो 1.08% का SBI में नुकसान हुआ है। दूसरा आप लोगों को सेल करने का था ITC 182 के आसपास, 184.10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 183.55 का इसने हाई पोस्ट किया, 176 का इसने लो पोस्ट किया, 182.85 में क्लोज हुआ है और इसका 176 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे।
यूजुअली मैं व्हाट्सएप में जो मेरे साथ लोग कनेक्टेड है, जो मेरे साथ टेलीग्राम में कनेक्टेड है, उनको जो आज वीडियो अपलोड होती है वो रनिंग मार्केट में ही उन लोगों को कॉल्स अपडेट कर दी जाती है। तो उन लोगों को कल ही मैंने, वो लोग अपने फ्यूचर्स में सौदे करते होंगे, तो फ्यूचर्स में सौदे करते हैं तो उनके टारगेट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अचीव हो जाते हैं। ये वीडियो अपलोड होने के पहले जो लाइव मार्केट होता है 176 के आसपास का टारगेट तो लग गया, लेकिन आप लोगों को नहीं मिला जो नेक्स्ट डे इसको कैश में इक्विटी में सौदा करते होंगे। तो मैंने इसकी भी लॉस के नहीं, इसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में, आप लोगों में से अगर कोई मेरे टेलीग्राम में कनेक्टेड नहीं है तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए अगर आप लोग मेरे बोलने पर सौदा करते हैं तो, ताकि अगर वहाँ पर कोई एग्जिट एंट्री एग्जिट या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स चेंज होते हैं तो मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस शीट में अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम चैनल बनाया ही सिर्फ उस पर्पस के लिए, ताकि आप लोग कोई फ्रेश अपडेट मिस ना करें जो यूट्यूब में बोली गई है पब्लिकली। तो 182 के आसपास कह दिया था कॉस्ट में एग्जिट हो जाओ, और उसी की एंट्री अपनी परफॉर्मेंस शीट में ली हुई है। तो ITC में ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। टाटा मोटर्स को सेल करने कहा था 175-175.50 की रेंज में, आज इसका हाई पोस्ट हुआ था 175.10 का, आराम से सेलिंग हुई थी, 172.50 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका हाई पोस्ट हुआ 76.55 का, लो पोस्ट हुआ 72.55 का, क्लोज हुआ 76.15 में, 72.55 रुपये, 72.50 रुपये का टारगेट दिया था, 5 पैसे से टारगेट रह गया। टेलीग्राम में 73.80 के आसपास प्रॉफिट बुक करने कह दिया था, उसमें हम लोगों ने कैपिटलाइज किया है मोटा माटी 1.60%, यानी कि एक बाजू 1.08% गया, एक बाजू 1.60% के आसपास आया है, तो आधे टक्के के आसपास हम लोगों ने इन्वेस्टेड कैपिटल में मुनाफा निकाला है, यानी कि लॉस नहीं किया है, जबकि बाजार तेज था आज और हमारे सारे सेल कॉल थे, उसके बावजूद भी हम लोगों ने आज मुनाफा ही निकाला है। कल के लिए क्या रणनीति निकल के आ रही है, कल 23 तारीख के लिए कल ICICI बैंक को बाय करना है 331-333 के आसपास, 325 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 343 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 343 के टारगेट। दूसरा SBI बैंक को बाय करना है 187-188 के आसपास, 184-190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 193-50-197 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक होगा हीरो मोटोकॉप को 1850-1870 के आसपास बाय करना है, 1829 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 1935 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चौथा स्टॉक टाइटन को बाय करना है 947-952 के आसपास, 934 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 971-988 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे कल के लिए 4 स्टॉक्स। अब अगर 9100 के नीचे अगर निफ्टी खुल जाती है तो ये कोई भी बाय कॉल एग्जीक्यूट नहीं करिएगा तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कई बार आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है 9000 और 9070 के नीचे नहीं खुलने, 9100 और 9070 के नीचे नहीं खुलना चाहिए बाजार, तो मेरी कोई भी रणनीति सारी इनवैलिड हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सोशल मीडिया की लिंक्स होती हैं, आप चाहें तो वहाँ पर हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म होता है उसको भर के हम लोगों को सजेशंस भी दे सकते हैं, अगर कोई गलती है तो हम या फिर कोई सुधार की आवश्यकता है तो हम जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होता है, आप चाहें तो उसको क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीति को और बना सकते हैं मुनाफा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।